हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से अच्छा कि आपने आपके अराउंड बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे इम्पोर्टेड कार्स, उनमें डलते पेट्रोल्स और ऐसी कई चीजें हैं जो आपके डेली यूज में भी आती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो सारी चीजें आती कहाँ से हैं। वही मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता है कि वो सारी चीजें आप तक आई कैसे? नहीं वही बताने के लिए तो मैं आया हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप तक आती कैसे हैं और इन्हें लेकर कौन आता है। These all things come to you by international trade. अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? So international trade is basically the sale and purchase of goods by companies in different countries. अब ये international trade होता कैसे है? It is basically carried out by import export. But import export में आपने mostly एक common सी चीज सुनी होगी, right? कि shipping, ये चीजें ship के through आई है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो शिपिंग है, इट इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। यस, इट कैरीज आउट अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। सो कैन यू इमेजिन कि शिपिंग के बिना आपकी लाइफ क्या होगी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक रीसेंट इंसिडेंट आपके सामने लेकर आता हूँ, द इंसिडेंट ऑफ एमवी एवरग्रीन, विच ब्लॉक द स्वीज कैनल ऑलमोस्ट फॉर 6 डेज। और आपको पता है कि उससे वर्ल्ड ट्रेड को पर डे कितना लॉस हुआ था? इट वॉज ऑलमोस्ट $9 बिलियन पर डे। बट अगर आप अभी देखने के लिए जाएंगे तो ये एमवी एवरग्रीन के ऊपर तो कुछ कंटेनर टाइप की चीजें रखी हुई है, लेकिन आपने इससे अलग भी कुछ शिप्स देखी होंगी, राइट? तो वही मैं बताने के लिए आया हूँ कि ये जो मैरीटाइम ट्रेड है, ये कंडक्ट तो शिप्स के थ्रू होता है, लेकिन शिप्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से टाइप्स है और कैसे कैसे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यस, सो आपने आज तक यूट्यूब में या कहीं भी और इंटरनेट सोर्सेस में या क्या पता लाइव भी बहुत सारी टाइप की शिप्स देखी होंगी। सो एज आई सेड कि है तो बहुत सारी टाइप की शिप्स, बट हम यहाँ पर 12 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शिप्स की बातें करेंगे, विच इंक्लूड बल्क कैरियर, कंटेनर शिप्स, लाइव स्टॉक कैरियर, क्रूज शिप्स और कई सारे। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ आर शिप, विच इज कंटेनर कैरियर्स। अब कंटेनर्स भी बहुत सारे टाइप्स और साइजेस के होते हैं, जैसे 20 फीट कंटेनर्स एंड 40 फीट कंटेनर्स कॉमनली। अब इन कंटेनर्स को हम अपने शिप के डेक और हैच कवर्स दोनों जगह पर रख सकते हैं, एंड इनमें मोस्टली रहते हैं हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड दीज शिप्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गोज एट द सेम टाइम। कि इनमें लोडिंग और अनलोडिंग साइमल्टेनियसली की जा सकती है, एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग एंड ऑल इज रिड्यूस्ड। एक यूनिट में कार्गोज रहते हैं, तो एट द सेम टाइम बहुत सारे कार्गोज एक ही प्लेस पर रख के हम कैरी करके ले जा सकते हैं। ऑल्सो द टाइम एंड मनी इज सेव। टॉकिंग अबाउट अ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरियर इज द बल्क कैरियर। द बल्क नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें क्या हो सकता है, सोचिए। हाँ, इसमें रहते हैं हमारे बल्क टाइप ऑफ कार्गोज लाइक राइस, कोल्स, समटाइम्स आयरन ओर्स एटसेट्रा। अब बल्क कैरियर्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे होता है गेयर बल्क कैरियर एंड गेयरलेस बल्क कैरियर। यहाँ पे गेयर का मतलब बेसिकली ये है कि एक बल्क कैरियर पे क्रेन होंगे खुद के और एक पर नहीं होंगे। अब इसमें जो कार्गो हम स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन द कार्गो होल्ड्स, जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज प्लेसेस रहते हैं, और उसी में हम कार्गो रखकर लेकर जाते हैं। ये जो कार्गो होल्ड्स है, ये वाटर इंग्रेस को रोकते हैं और ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्टोरेज कंपार्टमेंट के टाइप में यूज होते हैं। अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड शिप के बारे में, विच इज द कार कैरियर्स। हाँ, इन्हीं में आते हैं आपके इंपोर्टेड कार्स एटसेट्रा। अब इन कार कैरियर्स के एंड में एक रैम टाइप का फीचर होता है कि जब ये शिप पोर्ट पर आती है तब वो रैम खुल जाता है और उससे फिर सारे कार्स वापस से आते हैं हमारे पोर्ट साइड पर। अब इन कार कैरियर्स को हम रोरो वेसल्स भी बोलते हैं, जिनमें मल्टीपल डेक्स होते हैं और कुछ ज्यादा ही फ्रीबोर्ड होता है, जिस कारण से ये कार कैरियर्स का एक फ्लोटिंग बिल्डिंग के जैसे लगते हैं। और ये कार कैरियर सिर्फ कार्स ले जाने के लिए ही यूज नहीं होते हैं, इनका यूज बाय लैंड व्हीकल्स जैसे बुलडोजर्स एटसेट्रा के लिए भी यूज होता है। सो दिस वाज इट द कार कैरियर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टैंकर्स। हाँ, टैंकर्स में हम लेकर जाते हैं लिक्विड मटेरियल्स जैसे पेट्रोलियम, गैसोलीन, डीजल और अदर। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैंकर्स, ये भी अलग टाइप के होते हैं, जैसे केमिकल टैंकर्स या ऑयल टैंकर्स। टॉकिंग अबाउट ऑयल टैंकर्स फर्स्ट, इसमें जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम एंड अदर ऑयल की चीजें लेकर जाते हैं। नाउ 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 क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इग्नाइटेबल चीज है, इसमें रहता है स्पेशली फिटेड इनर्ट गैस सिस्टम। ये इनर्ट गैस सिस्टम बेसिकली प्रिवेंट करता है उस वॉलेटाइल पेट्रोलियम को इग्नाइट होने से। तो देखा आपने कितना डेंजरस है इन वॉलेटाइल पेट्रोल्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर लेकर जाना, और उस पोर्ट पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस कारण से स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं इन ऑयल और केमिकल वाली चीजों के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर केमिकल कैरियर्स। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, केमिकल टैंकर्स आर यूज्ड टू कैरी डेंजरस केमिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
एंड ये केमिकल सिर्फ डेंजरस नहीं, एक्सप्लोसिव एज वेल एज टॉक्सिक भी होते हैं. सो दीज टू रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशंस. अब स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ साथ इन्हें हम जिन कंटेनर्स में स्टोर करते हैं उनके भी वॉल्स को और उस शिप के स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए. इस कारण से दे आर समटाइम्स कोटेड विद स्पेशल मटेरियल्स ताकि उन शिप के वॉल्स को ज्यादा नुकसान ना हो या वो केमिकल उस वॉल के साथ रिएक्ट ना करे. ऑल्सो एक शिप में सिर्फ एक टाइप का केमिकल ही नहीं, कई अदर टाइप के केमिकल्स भी लेके जा सकते हैं, जिस कारण से उन शिप्स में अदर स्मॉल कंपार्टमेंट्स भी होते हैं जिनमें हम दूसरे टाइप्स के केमिकल्स को भी स्टोर करके एक प्लेस से दूसरे तक लेकर जा सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द एलपीजी एंड एलएनजी गैस कैरियर्स. फर्स्टली द एलपीजी गैस कैरियर्स यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर्स. सो ये एलपीजी गैस कैरियर्स बेसिकली लेकर जाते हैं हमारे पेट्रोलियम गैसेस जो कि होते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन या उनके मिक्सचर. अब इन प्रोपेन एंड ब्यूटेन के मिक्सचर्स यानी हमारे नेचुरल गैसेस को हम रखते हैं स्पेशल प्रेशराइज्ड कंडीशंस के अंदर एंड दैट टू रेफ्रिजरेटेड. प्रेशराइज उसे करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज गैसेस आर ऑल्सो रिएक्टिव एंड कैन ऑल्सो लीड टू एक्सप्लोजन एंड अदर हार्मफुल थिंग्स विच इज नॉट सुटेबल फॉर द मैरिटाइम लाइफ. अब इन्हें लेकर जाने के तीन प्रोसेस है. या तो उन्हें कुछ ज्यादा ही फ्रीज करके रखो बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज बिलो -38 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस, या तो उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज करके रखो, या तो थर्ड वे इज दैट उन्हें सेमी प्रेशराइज करके देन रेफ्रिजरेट करके स्टोर करके रखा जाए. एंड हेंस दीज एलपीजी कैरियर्स को भी लगते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर एलएनजी कैरियर्स यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर्स. नाउ ये जो नेचुरल गैसेस है ये भी थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से इनके भी स्पेशल प्रिकॉशंस एंड मैंडेटरी स्टेप्स रहते हैं जिनके साथ इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए. एंड दीज इंक्लूड्स इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी -165 डिग्री सेल्सियस टू -180 डिग्री सेल्सियस तक में स्टोर किया जाता है इन एटमोस्फेरिक प्रेशर. एंड ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस होते हैं ये बेसिकली है हमारे नेचुरल गैसेस, इस केस में मीथेन गैस, और उन्हें फ्री करते हैं यानी प्यूरीफाई करते हैं उनके सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट से एंड देन ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन प्लेस टू अनदर द लिक्विफाइड फॉर्म एज वेल एज रेफ्रिजरेटेड. Now moving towards our other carriers which is reefer ship. As the name itself suggests, ये reefer ship यानी है refrigerated ship. इन ships में हम लेकर जाते हैं perishable items like fruits, flowers, etc. जो भी mandatory है international trade के लिए, और इनके अंदर उन perishable materials के हिसाब से temperature maintain किया जाता है ताकि वो during transport खराब ना हो जाए. ऑल्सो जैसे आप कीवी एटसेट्रा खाते होंगे जो मोस्टली इंडिया में नहीं उगता है, वो सब भी इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स के थ्रू ही इंडिया में आते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक कैरियर्स. हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया कि इसमें हम लेकर जाते हैं जिंदा जानवर जैसे गोट्स, शीप्स, काउस, बफेलोज एटसेट्रा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और इसमें कई ज्यादा यानी कई थाउजेंड्स के नंबर्स में हम जानवर एक प्लेस से दूसरे तक लेकर जाते हैं. दिस वॉज इट विद द लाइफ स्टॉक कैरियर्स एंड वॉज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अब आते हैं द हेवी लिफ्ट कैरियर्स. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इनमें हम वैसे कार्गोस को लेकर जाते हैं जिन्हें डिसमेंटल करके कार्गो होल्ड्स में स्टोर करना क्वाइट इम्पॉसिबल रहता है, जिस कारण से उन्हें हम रखते हैं इन शिप्स के सरफेस पर एंड देन ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड दिस वॉज इट विद आर हेवी लिफ्ट शिप्स. और अब आते हैं द जनरल कार्गो शिप्स. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्गोज लेकर जा सकते हैं, कंटेनराइज्ड कार्गोज, पैक्ड कार्गोज या नॉन पैक्ड कार्गोज. एंड दिस वॉज इट विद द जनरल कार्गोज. क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अब जो नेक्स्ट टाइप की शिप है, हाँ आपने सही पहचाना, वो है क्रूज शिप्स, जिसमें हम लेकर जाते हैं इंसानों को, बट नहीं, नॉट दिस टाइम फॉर द ट्रेड पर्पस, बट इंस्टेड घूमने के पर्पस के लिए. सो दीज क्रूज शिप्स ये एक मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट रहते हैं जिनमें होटल्स, बार्स, स्कूल्स एटसेट्रा, हर चीज इंसानों के फैसिलिटीज की रहती है, और इसमें इंसान मोस्टली अपने वेकेशन बनाने के लिए जाते हैं. यू नो टाइटैनिक, हाँ वो भी एक क्रूज शिप ही था. दिस वॉज इट विद द शिप्स वाला एपिसोड एंड आई होप कि आपको समझ गया होगा कि कितने सारे टाइप्स ऑफ शिप्स हैं और कैसे कैसे इन ट्रांसपोर्टेशन को कैरी किया जाता है और कितने सारे प्रिकॉशंस चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्गो को एक प्लेस से दूसरे तक लेकर जाने के लिए. सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. इफ यू डू देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच नॉलेजेबल वीडियोज. और हम आपको फिर मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में विद सम न्यू नॉलेज एंड अ न्यू टॉपिक. टिल देन बाय बाय.